स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे अमित शाह व अरुण जेटली के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए आज लुधियाना में भाजपा के सीनियर नेताओं की ओर से कदवाई नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में एक हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इस दौरान बीजेपी के कई सीनियर नेता उपस्थित रहे। इन नेताओं ने इस यज्ञ में प्रार्थना कर भगवान इन दोनों की बीमारियों से जल्द राहत दे की दुआ मांगी। मगर हैरानी की बात ये थी कि इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम थी और मासूम छोटे छोटे स्कूल के बच्चे बहुत अधिक संख्या में दिखाई दे रहे थे। आज जो कदवाई नगर लुधियाना में जो हवन रखा गया है, मैं समझता हूँ कि वो एक महान लीडर साड़ा हमारा हिंदुस्तान का अरुण जेटली जी की बीमारी जो लगी है वो ठीक हो और ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हवन यज्ञ किया गया है और इसमें बच्चे, मेरी बहनें और भाई सब लोग आए शामिल हुए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी तादाद में आए हैं और सीनियर कार्यकर्ता। तो मैं समझता हूं कि जो ईश्वर से प्रार्थना की जाए तो उस बीमारी से राहत ज़रूर मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि देश की इसी तरह वो हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हवन यज्ञ की बात कर रहे हैं, हवन यज्ञ में कार्यकर्ता कम, बच्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, वो क्या कारण था? ना ही कोई अपना कोई यहाँ पर जिला प्रधान पहुँचे, ना ही कोई कार्यकर्ता पहुँचे, क्या कारण रहा? मैं हिंदुस्तान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर, नेशन, तो मेरे सारे कार्यकर्ता जिस सर्दी में जिसको इन्वाइट किया है वो आ सके हैं, कई दफ़ा नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं कि कोई आया है नहीं आया, लेकिन सब की दुआ हमारे साथ है और वो अरुण जेटली जी के साथ हैं, जो घर बैठा है उसका भी आशीर्वाद है। मतलब कि जो कार्यकर्ता नहीं पहुंचे वो सर्दी के कारण नहीं पहुंचे? हाँ, वो कोई कारण होगा, कोई किसी जगह और बिजी हो सकते हैं, लेकिन सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग। बच्चे इसमें हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महान नायक श्री अरुण जेटली जी और अमित शाह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोनों ही आज बीमारी से ग्रासित हैं और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आज हमारे लुधियाना शहर में हमारे पंजाब महामंत्री श्री प्रवीण बंसल की अध्यक्षता में यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आहुति डालकर दोनों महान नेताओं को जल्दी स्वस्थ होकर और वापस अपने देश के कार्य पर लौटने की प्रार्थना की भगवान से। और हम सभी चाहेंगे दोनों स्वस्थ होकर जल्दी लौटें ताकि हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत। ऐसा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान श्री अमित शाह जी, देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और भाजपा के संगठन मंत्री माननीय रामलाल जी बीमार हैं, क्योंकि कार्यकर्ता उनसे सभी से मन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अकेले कार्यकर्ता ही नहीं, देश के हर बाशिंदे को उन्होंने ये समझा है कि उनका ध्यान रखना, उनकी मुरली समस्याओं का हल करना उनका धर्म है। सो जिस प्लानिंग के साथ, जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से उन्होंने संगठन और देश की सेवा की है, तो कार्यकर्ताओं की ऐसी भावना थी। आज परिवार समेत सभी कार्यकर्ताओं ने ये यज्ञ रचाया ताकि वो तंदुरुस्त हों और फिर द्वारा ऐसे ही देश और पार्टी की सेवा करें और 2019 का मिशन, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए बड़ा जरूरी है, उस मिशन में लगें। हमारी भावना, हमारी दुआएं परमात्मा तक पहुंचेंगी और वो तंदुरुस्त होंगे। लुधियाना से अभिषेक बहल, सिटी होम न्यूज़।